गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रितिका राठौर। आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स फॉर क्लास फर्स्ट। अब आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नंबर नेम्स लिखने के लिए दिए थे 11 to 20, और उनको लर्न करना था। 11 to 20 को लर्न करना था। पहले वाले वीडियो में दिया था 1 to 10, और अब दिया था नेक्स्ट वीडियो में दिया था 11 to 20। आपको नंबर नेम्स लिखने थे, कॉपी में करना था ये वर्क। फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि इसमें आपको साइकिल में जो दो व्हील्स दे रखे हैं उनको उनमें उनकी काउंटिंग कंप्लीट करनी थी। क्यों? क्योंकि इसको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी। तो अपन ने काउंटिंग कैसे कंप्लीट की, जहाँ यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो क्या लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे किया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बुक में ही करना था। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन द गिवन वर्ड ईच। देखो आपको क्या करना है, ये बॉक्स दे रखा है बहुत सारे अल्फाबेट्स का। अब इसमें अपन को ये जो पिंक पिंक कलर के जो नंबर लिख रखे हैं, जैसे कि 13 लिख रखा है, 0 लिख रखा है, 16 लिख रखा है, 9 लिख रखा है, 20 लिख रखा है, 1 लिख रखा है और 4 लिख रखा है, इन सबको इनमें ढूंढना है। अब पहला एग्जांपल आपको किसका दिया, 16 का दिया। पहले इन्होंने क्या ढूंढा, 16 ढूंढा। कहा है देखो, ये 16 यहाँ से यहाँ तक पिंक पिंक बॉक्स किया है। तो देखो SIXTEEN लाइन में है, SIXTEEN 10 16 फिर यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ये क्वेश्चन भी अपन सिर्फ बुक में ही करेंगे, ओके। ये क्वेश्चन भी अपन सिर्फ बुक में करें। अब बाकी अपन को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो देखो सबसे पहले ऊपर देखो 13 ढूंढते हैं। 13 ये रहा, देखो टी ये रहा, एच ये रहा, टी ये रहा, एच ये रहा, आई आई भी है, आर आर भी है, टी टी भी है, ई ई भी है, फिर ई भी है, फिर एन एन भी है। तो अपन इसमें ऐसे बॉक्स बना देंगे। और इधर लिख देंगे 13। लिखा। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर ढूंढेंगे अपन। नेक्स्ट नंबर इसमें कहाँ है, 0 0 0 ये रहा। तो 0 पे मैंने बॉक्स बना दिया ऐसे और यहाँ पर लिख दिया 0। जरूरी नहीं है आप लाइन टू लाइन ढूंढोगे। अब अपन 4 ढूंढ लेते हैं। तो 4 इसमें कहाँ मिलेगा अपन को, 4 कहाँ मिलेगा, ये रहा 4। तो मैंने इसके ऊपर बॉक्स बनाया, आपको भी ऐसे बुक में बॉक्स बनाना है और इधर लिखना है 4। अब अपन 1 ढूंढते हैं। इसमें 1 कहाँ है, तो 1 देखो ये रहा, दिया ओ एन ई 1। अब इसमें अपन को अब 1 अपन ने फाइंड आउट कर लिया, 4 अपन ने फाइंड आउट कर लिया, 13 कर लिया, 0 कर लिया, 6 कर लिया। अब सिर्फ 9 और 20 बचा है। क्या बचा है, 9 and 20। तो 9 का होगा, अब 9 आपको ढूंढना है इसमें। तो इसमें 9 देखो ये रहा, लिखा ना ये रहा। तो अपन लिखा इधर 9। अब लास्ट बचा 20। अब 20 का इसमें 20।
to the record 20. ओके आपको ऐसे ही इसमें फाइंड आउट करने थे जो ऊपर ब्रैकेट के अंदर 13 0 16 9 21 4 लिखा है वो ढूंढे और अपन ने साइड में जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे उन पे लिख दिया वो नंबर जो पहले ढूंढा उसको पहले लिखा जो लास्ट में ढूंढा उसको लास्ट में लिखा। ये क्वेश्चन भी आपको सिर्फ बुक में ही करना है सिर्फ बुक में करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जॉइन द डॉट्स 1 to 20 एंड कलर द पिक्चर यू गेट। अब आपको इसमें नंबर्स दिख रहे होंगे देखो 1 2 3। अब इनको काउंटिंग कैसे करते हैं अपन 1 से करते हैं तो अपन 1 से काउंटिंग करेंगे 20 तक और उनको नंबर्स को जोड़ते जाएंगे तो नंबर्स ये फिर क्या बनेगा अपन देखते हैं। तो 1 था ये रहा तो 1 डॉट से 2 डॉट्स पे लेके जाओ। वन डॉट से टू पे टू से थ्री पे फिर इस हाथ से लेके जाओ फोर पे फिर फाइव पे फिर सिक्स पे फिर सेवन पे फिर एट पे फिर नाइन पे फिर टेन पे फिर इलेवन पे फिर 12 पे फिर 13 पे फिर 14 पे फिर 15 पे फिर 16 पे ये रहा 16 फिर 17 ये रहा ऊपर फिर 18 आ रहा है नीचे फिर 19 आ रहा है ये फिर 20 आ रहा है ये। तो ये क्या बना एक जोकर। तो आपको इसमें कलर करना है वो आप सिर्फ बुक में करोगे। ओके ये आपको डॉट से अपन ने 20 तक डॉट्स ज्वाइन किए फिर अपन को क्या पिक्चर दिखी एक जोकर की। अब आपको इसमें कलर करना है वो आप सिर्फ अपनी बुक में करना है वाला क्वेश्चन भी सिर्फ आपको कलर करोगे तो सिर्फ बुक में करोगे। पहले आपको डॉट ज्वाइन करने है और उसके बाद कलरिंग करनी है। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन विद नंबर मार्क इन इक्वल गैप और इंटरवल। आपको देखो नंबर लाइन क्या होती है मैं आपको बताती हूँ नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है अपन ने एक लाइन ली फिर एक एरो इधर लगाया एक एरो इधर लगाया अपन ने इसमें 1 to 5 तक काउंटिंग लिखी तो 1 2 3 4 5 लिखी 5 तक काउंटिंग। तो ये सब लाइन टू लाइन है क्योंकि अपन ने काउंटिंग लिखी है तो इसको ही बोलते हैं नंबर लाइन। ओके इसको ही बोलते हैं नंबर लाइन। कंप्लीट द नंबर लाइन कंप्लीट द नंबर लाइन आपको नंबर लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये क्वेश्चन भी अपन सिर्फ बुक में करेंगे कॉपी में नहीं करेंगे। ओके ये वाला क्वेश्चन भी अपन सिर्फ बुक में ही करेंगे। तो कैसे करेंगे अपन इसको देखो इसमें काउंटिंग कैसे लिख रखी है देखो इसमें पहले अपन ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें काउंटिंग लिखी 0 से 15 तक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा ना। ठीक है अब अपन को भी इसमें अपन को भी काम करना है। अब नेक्स्ट अपन फिल आउट करेंगे। अब इसमें अपन को 15 तक लिखना है तो इसमें 0, 1, 2 दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ पर 6 अब 7, 8, 9, 10 दे रखा है 11 तो यहाँ पर आ जाएगा 12 यहाँ पर 13 यहाँ पर 14 यहाँ पर 15 तक काउंट किया। इसमें देखो कैसे दे रखा है इसमें वापस करते हैं 0 दे रखा है तो अपन लिखेंगे 1 नहीं था 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 4 तो 4 के बाद आता है 5
सिक्स लिखा है तो सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ओके। अब ये जो एक है ये आपका होमवर्क है ओके okay? ये आपका होमवर्क ये आप करोगे और बुक में ही करोगे। कैसे करोगे मैंने बताया जैसे जैसे कि जहां जहां लिखा हुआ वहां अपन को बोलते रहना है काउंटिंग जीरो नहीं जीरो से स्टार्ट करनी है और फिफ्टीन तक लिखनी है ओके okay? समझ में आया ना आपको कैसे करना है ये आपको सिर्फ काउंटिंग लिखनी है और ये क्वेश्चन भी सिर्फ आपको बुक में करना है ऊपर जो क्वेश्चन बताया वो भी आपको बुक में करना है। अब नीचे नेक्स्ट क्या है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन वॉट इज बिफोर वॉट इज बिटवीन एंड वॉट इज आफ्टर तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन क्या होता है। इसमें देखो बनी इज स्टैंडिंग आफ्टर मी तो बनी बनी क्या होता है खरगोश होता है तो खरगोश जो ये जो कैट है वो क्या बोल रही है बनी जो है वो मेरे आफ्टर में खड़ा है तो ये बनी कहाँ खड़ा है कैट के पीछे तो आफ्टर का मतलब क्या हो गया पीछे। देखो ये रही कैट तो देखो इसका इसने क्या बोला है बनी स्टैंडिंग आफ्टर मी तो बनी का मतलब क्या होता है खरगोश तो खरगोश कहाँ खड़ा है पीछे खड़ा है तो पीछे खड़े होने को क्या बोलते हैं आफ्टर मतलब बाद में जो आता है उसको क्या बोलते हैं आफ्टर पीछे जो खड़ा है। नैन्सी स्टैंडिंग बिफोर मी और कैट क्या बोल रही इस लड़की का नाम क्या है नैन्सी तो इसने क्या बोला नैन्सी स्टैंडिंग बिफोर मी नैन्सी जो है वो मेरे बिफोर में खड़ी है बिफोर और नैन्सी कहाँ खड़ी है आगे खड़ी है तो आगे खड़े होने को क्या बोलते हैं बिफोर। और फिर इस बिल्ली को जो बीच में कैट है वो क्या बोल रही है आई एम बिटवीन द नैन्सी एंड बनी और मैं कहाँ खड़ी हूँ नैन्सी और बनी के बिटवीन में तो बिटवीन मतलब क्या होगा ये कहाँ खड़ी है नैन्सी और बनी के बीच में खड़ी है तो बीच में खड़े होने को क्या बोलते हैं बिटवीन। तो आपको आफ्टर का मतलब क्या होता है पीछे बिफोर का मतलब आगे और बिटवीन का मतलब बीच में आप समझ में आया ना आपको बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। नीचे आपको लेट मी टेल यू मोर तो आपको मैं आप नंबर के हिसाब से बताती हूँ ठीक है ना अभी अपन ने ऊपर एग्जांपल पढ़ा अब मैं आपको नंबर के हिसाब से बताती हूँ। तो देखो इसमें फोर फाइव और सिक्स थ्री नंबर दे रखे हैं वो येलो येलो बॉक्स के अंदर तो अब मेरे को आप ये बताओ जो फाइव नंबर है उसके पीछे कौन सा नंबर है मतलब पीछे मतलब आफ्टर आफ्टर में कौन सा नंबर है सिक्स है तो क्या लिखा है सिक्स कम्स आफ्टर द फाइव पीछे है तो क्या लिखा आफ्टर तो ये हो गया आफ्टर। अब ये जो फाइव नंबर है इसके आगे कौन सा नंबर है फोर आगे है तो क्या आ गया बिफोर तो ये हो गया बिफोर। अब फाइव फाइव का है बीच में तो बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं बिटवीन तो ये हो गया बिटवीन। तो आफ्टर क्या हो गया पीछे वाला नंबर तो फाइव के पीछे वाला नंबर सिक्स तो सिक्स क्या हो गया इसका आफ्टर वाला नंबर और फोर क्या हो गया इसका बिफोर वाला नंबर क्यों क्योंकि फाइव के आगे फोर आता है तो फोर हो गया बिफोर और फोर और सिक्स के बीच में जो नंबर आ रहा है फाइव वो हो गया बिटवीन। तो आपको अब समझ में आएगा व्हाट इज बिफोर व्हाट इज आफ्टर एंड व्हाट इज बिटवीन। जो आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द न्यूमरस डेट कम्स अब अपन को ये क्वेश्चन करना है ये कैसे करना है ये क्वेश्चन अपन कॉपी में करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में आप क्या करोगे जो मैंने नंबर लाइन वाला क्वेश्चन दिया है ना वो करना है आपको ओके ये क्वेश्चन करना है और बिफोर आफ्टर बिटवीन एक बार समझना है वापस
और ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं करना है, ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आपको कॉपी में कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।